एक अंधा अपने दोस्तों के यहां मेहमान हुआ। रात्रि का भोजन था। भोजन समाप्त होने के बाद अंधा विदा होने लगा और अंधा जब वापस अपने घर की राह जाने की तैयारी में था, मित्रों ने कहा कि ऐसा करो, तुम अपने साथ एक लालटेन ले लो। अंधा हंसने लगा, कहने लगा, मैं अंधा और मुझे लालटेन, क्या करना मुझे लालटेन से। मित्रों ने कहा, नहीं नहीं, लालटेन ले लो, तुम्हारे कुछ काम आएगी। अंधे ने कहा, मैं तो ठहरा अंधा आदमी, हजारों हजार सूरज भी चमकेंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे अमावस की रात हो चाहे तेज धूप या दिन हो, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो आंखें ही नहीं है। मित्रों ने बहुत समझाया, ठीक है तुम अंधे हो कोई बात नहीं है, मगर लालटेन तो अपने साथ ले लो। फिर अंधे ने यही कहा, नहीं भाई मुझे क्या करना लालटेन लेकर के। मित्रों ने कहा, ठीक है तुम अपने लिए ना लो, कम से कम दूसरों के लिए तो लालटेन ले ही लो, कोई तुमसे टकरा सकता है, गहरी काली रात है, तुमको तो चलो नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगला उस काली रात में भी आ रहा है, वो तुम्हें नहीं देखेगा, तुम्हारे साथ टकरा जाएगा, कम से कम दूसरों के लिए तो लालटेन ले लो। बहुत जब तर्क वितर्क हुआ, अंधा मान गया, राजी हो गया, ठीक है भाई अपने लिए ना सही, कम से कम दूसरों के लिए तो लालटेन ले ही लेना चाहिए। और अंधा लालटेन लेके चल पड़ा। मुश्किल से अभी 10 कदम गया था और तभी एक आदमी आके उससे टकरा गया, और अभी 10 कदम गया नहीं था कि एक आदमी उससे आके टकरा गया। अंधे ने कहा, मित्र माफ करें, क्या आप भी मेरी तरह अंधे हैं, आपको मेरी लालटेन दिखाई नहीं दी। उस आगंतुक ने कहा, भाई लालटेन की बात कर रहे हो, तुम्हारी लालटेन तो ना जाने कब की बुझ चुकी है, तुम्हारी लालटेन तो बुझ गई है, कोई प्रकाश नहीं है तुम्हारी लालटेन में, इस अमावस की रात में तुम्हारी लालटेन नहीं दिखाई दे रही है। अब उस अंधे को कैसे मालूम हो कि लालटेन बुझ गई, वो अंधा कैसे जाने कि लालटेन बुझ गई। जानते हो कैसे जानेगा, टकराहट होने लगेगी, जब लोग आ आ के टकराएंगे तो अंधे को मालूम हो जाएगा कि लालटेन बुझ गई है। और आज सारी दुनिया की तस्वीर यदि आप देखो तो सिवाय टकराहट के कुछ नहीं हो रहा है। सारी दुनिया में रोज देखो टकराहट हो रही है। ये टकराहट क्या बता रही है, ये टक्कर क्यों हो रही है, टक्कर बता रही है कि लालटेन बुझ गई है, लालटेन बुझ गई है, अंत का दिन करीब आ गया है मेरे मित्रों, सजग हो जाओ। शिमशान, ये लालटेन क्या है आपके, आपके हृदय में लालटेन कब जलती है, जब ईश्वर की आत्मा का तेल आपकी जिंदगी में रहता है, लालटेन जलती रहती, और जब तक लालटेन जलती है कोई टकराहट, लोग बच के निकल जाते हैं, लोग आपके प्रकाश को देखते हैं, आपसे बिना टकराए चले जाते हैं। मगर आज सारी दुनिया में टकराहट इस बात का संकेत है कि लालटेन बुझ गई। शिमशान नाम के एक बड़े शूरवीर के बारे में हम जानते हैं, उसका जीवन बड़े बड़े काम करने वाला था, मगर एक दिन आया उसके पास से ईश्वर की आत्मा का प्रकाश चला गया और वो बिल्कुल कमजोर हो गया, बिल्कुल दुर्बल हो गया। लेकिन शिमशान के पास आंखें अभी थीं, अंधा तो इसके पास तो प्रकाश भी चला गया लालटेन का और आंखें भी नहीं। शिमशान तो भाग्यशाली था कि प्रकाश तो गया, ईश्वर की आत्मा तो गई, मगर आंखें थी। बैरी ने देखा, आंखें तो हैं, इससे तो ये बच जाएगा, बच के निकल जाएगा। आंखें भी शिमशान की मालूम है फोड़ दी गई। आज इस शैतान बैरी शैतान ने दुनिया के लोगों से ईश्वर का प्रकाश तो चला ही गया, हमारी आंखों को भी फोड़ दिया है, कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं दिखाई देता, टकराहट ही टकराहट। मगर इस अंतिम युग में उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान सजग रहना, आपकी कुप्पी का तेल कभी घटने ना पाए। अंधकार का युग है और तमाम हालात तमाम बातें बता रही, प्रभु का आना बहुत करीब है मेरे मित्रों। इस टकराहट में आप मत टकरा जाना कहीं, आप कहीं मत गिर जाना, आप कहीं पर अपने जीवन में पिछड़ मत जाना,
आपकी लालटेन जलती रहे, ईश्वर की आत्मा से आपका जीवन सदा भरा पूरा रहे, आपकी आंखें खुली रहें ताकि ईश्वर के वचन की बहुत सी बातों को जिनको आज तक हमने नहीं जाना है हम जानने पाएं। और एक दिन आएगा जब हम भी दुनिया को छोड़ेंगे मेरे मित्रों, हम अपने जीवित प्रभु के साथ हमेशा के जीवन में जिएंगे और उसके चेहरे को उसके आने तक और कयामत तक निहारते रहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष।